प्रयाग में चारों तरफ अपनी धुनी लगाए साधु संतों का जमावड़ा संगम की रेती पर मौजूद है। हर ओर महात्माओं के जरिए अन्न भंडार श्रद्धालुओं के लिए चलाए जा रहे हैं। संगम में डुबकी लगाने के बाद घाट पर कोई अन्न का दान कर रहा तो कहीं कोई तिल और चावल का दान कर रहा। लेकिन इन सबसे अलग हटकर सोनभद्र से आए अमरजीत महाराज अपने अलग हट के जरिए सिर पर धान की खेती उगाकर हर रोज कर रहे संगम में स्नान, डुबकी लगाने के बाद अपने सिर पर ही संकल्पों की पूर्ति को कर रहे पूरा। सिर पर उगाए गए धान को लेकर संगम में आने वाले श्रद्धालुओं को कर रहे पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक। बाबा अमरजीत महाराज का मानना है कि हर जगह पूरे भारत में विकास के नाम पर कंक्रीट के जंगलों का विस्तार बड़ी बड़ी इमारतों के जरिए बनते चले जा रहे हैं, जो आने वाले समय में जमीनी की कमी के चलते खेती और किसानी कहाँ की जाएगी, क्योंकि जब जमीन ही नहीं होगी तो खेती किस धरातल पर होगी। ऐसे में ये पिछले कई सालों से माघ मेला, कुंभ मेला में संगम की रेती पर विराजमान होकर श्रद्धालुओं से लेकर विकास के चकाचौंध में मस्त हुक्मरानों को भी पर्यावरण संरक्षण पर नसीहत देने का काम करते हैं। संगम में डुबकी भी लगाते हैं और हर रोज श्रद्धालुओं को खेती किसानी और पर्यावरण पर समय रहते जागरूक करने का काम भी कर रहे हैं। ऐसा है जब यहाँ अगले 3 वर्षों से आते हैं, ठीक 3 वर्षों से आते हैं, तो जो है सेवा करते थे, लोग समझ नहीं पाते थे। बिना मट्टी का ही आज 4th साल है सेवा करते हुए, लेकिन यहाँ के लोग समझ नहीं पाते थे। बाबा आता था, सर जो मट्टी बनाए कि क्या बनाए, इसे कपड़ा बना रहता था, किसी को दिखाते नहीं थे। तो इन साल हम आए ये सोचे जो लोग पंडालों में सब मट्टी पर रख रख सेवा करते हैं हर चीज़ों का, तो हमारा भी मूड बना जो सब कोई संकल्प वहाँ करता है, तो हम अपने सर पर ही पूरे अनाज जमा के संकल्प करेंगे। तो इन साल मेरा एकदम उद्देश्य यही हो गया, क्योंकि इन साल 4th साल है, 5 साल का हमने हट किए थे, तो 4 साल में हमने 4th साल में यही किए हैं, जिसमें कुछ फसलें जो है बिना मट्टी का पहले भी उगाते थे, इस बार जो है ज़्यादा कुछ बढ़ा दिए हैं 3-4 फसलें, तो वो भी सब तैयारी पर चल रही है। क्या क्या आपने अपने इसमें? चना है, उड़द है, मूंगी है, मेथी है और गांजा भी लगाए हैं, भोले शंकर का प्रसाद। इसके पीछे आपका मूल उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हमारा, हम बस सब दिन आप जमीन पर पूजा करते थे, आज ईश्वर किए हैं बस, और कोई उद्देश्य नहीं है। पूजन के लिए? पूजन के लिए। महाराज जी आप मूलतः कहाँ के निवासी हैं? हम मारकुंडी सोनभद्र का निवासी हैं। तो ये संन्यास का हमारा संन्यास का सुदेश जो 27 साल से चल रहा है। हम संन्यासी, जब से परिवार हमारी मर चुकी तब से हमने संन्यास ले लिए। लड़कियों के शादी किए, लड़का 18 साल का है, हमने संन्यास ले लिए। सारी चीज जायदाद लड़के को और भाई को नाम से सब त्याग दिए। तो आप यहाँ कैसे खुले में रहते हैं? हम खुले में रहते हैं। हमारा हट ये ऐसा मांगन मांगे हैं उनसे, हम खुले में रहते हैं। तो आप जो ये बोते हैं, इनका भरण पोषण कैसे करते हैं? भरण पोषण बस सिर्फ पानी से करते हैं, और एक खून पसीने का अन्न है। तो इससे आपको परेशानी नहीं होती है? हमको परेशानी होती तो कौन झेलने वाला है? इसी समय तो ठंडी में बैठे हैं, कोई कम्बल लेके देने वाला है? बांटने वाले आते हैं तो पियाकों को दे के चले जाएंगे, वो तुरंत वो जाएंगे, वो बेच के दारू पियेंगे, और जो शरीफ बैठा है उसको पूछने वाला कोई नहीं है। आप प्रशासन से कोई मांग करते हैं? नहीं, प्रशासन से हमारे लिए कोई मांग नहीं है। प्रशासन क्योंकि हमारा सुरक्षित कर रहा है, हर जगह मौके मौके पर पड़ा है, हमारे जनता जा रही है, वो सुरक्षित जा रही है।